हेलो गाइस, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल अगेन। माय नेम इज देव एंड यहाँ पे मैं आपको कुछ वीडियोस बताता हूँ, कुछ ट्यूटोरियल्स बताता हूँ जो आपके बिजनेस के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो आइए चले हम लोग आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ अबाउट द स्टार्टअप इंडिया। सो इससे पहले मैंने अपने वीडियो में डिस्कस किया था कि स्टार्टअप इंडिया की क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इसको आप अपने बिजनेस के लिए कैसे यूज़ ले सकते हैं, राइट। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टार्टअप इंडिया को के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायरमेंट है और इसके लिए एक तरह से क्या ऑनलाइन प्रोसेस है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा जिसके अंदर मैंने स्टार्टअप इंडिया के बेनिफिट्स बताए हैं, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में के लिंक दी गई है, तो सबसे पहले उस वीडियो को वॉच कीजिए और उसके बाद ये जो वीडियो जो है वो स्टार्ट कीजिए। तो आइए डिस्कस करते हैं स्टार्टअप इंडिया के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए नरेंद्र मोदी जी का कोट है, हिंदुस्तान में ऐसा कोई जिला ना हो, ऐसा कोई ब्लॉक ना हो जहाँ कोई स्टार्टअप शुरू ना हो, राइट। तो एक तरह से मेक इन इंडिया के बाद में जो सबसे ज़्यादा फेमस कैंपेन लॉन्च हुआ है वो एक तरह से स्टार्टअप इंडिया है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कुछ टर्म्स और कंडीशन कि स्टार्टअप इंडिया के लिए जो एक तरह से स्टार्टअप्स हैं, मतलब स्टार्टअप मीन्स एक तरह से स्मॉल जो बिजनेस है, राइट। तो गवर्नमेंट की नज़रों के अंदर एक तरह से स्टार्टअप की अलग से एक डेफिनेशन है जिसके अंदर कुछ टर्म्स और कंडीशन दी गई है। ये देखिए काफ़ी सारी टर्म्स और कंडीशंस हैं, तो इन्हीं टर्म्स और कंडीशन के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एक करके। तो पहली जो टर्म्स और कंडीशन है वो है दैट इज़ अबाउट द लीगल एंटिटी। अब ये लीगल एंटिटी क्या है, इंडिया के अंदर आप जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको एक लीगल एंटिटी सेटअप करनी पड़ती है, मीन्स आपको अपने बिजनेस का जो है रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म रहती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहती है, एलएलपी जिसको लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कहते हैं, और एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म रहती है, राइट। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने केवल तीन ही लीगल एंटिटी को एक तरह से कंसीडर किया है, दैट इज़ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और द एलएलपी और द रजिस्टर्ड पार्टनरशिप। मतलब वो तीनों लीगल एंटिटी जो इस एक्ट के अंदर एक तरह से रजिस्टर्ड है, जो कंपनीज एक्ट है उसके अंदर रजिस्टर्ड है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का एक्ट है उसके अंदर रजिस्टर्ड है, और पार्टनरशिप का जो एक्ट है उसके अंदर रजिस्टर्ड है। तो सबसे पहले आपको अपनी लीगल एंटिटी जो है सेटअप करनी पड़ेगी। अब कई लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन रहता है कि यार लीगल एंटिटी किस टाइप की, कैसे सेटअप की जाएगी, क्या क्या कॉस्टिंग आती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायरमेंट है। तो देखिए डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने क्योरा की एक आर्टिकल की लिंक दे रखी है जिसके ऊपर एक तरह से सारी बिजनेस लीगल एंटिटीज की क्या क्या कॉस्टिंग आती है और कब आपको कौन सी लीगल एंटिटी जो है चूज़ करनी चाहिए अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, वो सारी डिटेल्स जो एक तरह से दी हुई है। तो ये देखिए यहाँ पे आप रीड करके एक तरह से अपने लिए बेस्ट लीगल एंटिटी कौन सी है वो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक नोट बताना चाहूँगा कि इसके अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म जो है इंक्लूड नहीं है। अगर लेट सपोज अगर आपने पहले ही अपनी लीगल एंटिटी सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करा रखी है तो आपको उसको एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर एलएलपी या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है तो आप इस स्टार्टअप इंडिया के लिए एक तरह से अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। इसकी जो सेकेंड जो टर्म्स है वो है दैट इज़ अबाउट द टर्नओवर। अब ये टर्नओवर क्या होता है, बेसिकली अगर मैं प्रोडक्ट वाइज बिजनेस की बात करूँ तो प्रोडक्ट वाइज बिजनेस के अंदर आपकी जो टोटल सेल्स होती है, जो टोटल बिलिंग होती है, अगर वो 5 करोड़ के नीचे हैं तभी आप स्टार्टअप इंडिया के लिए एक तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अगर सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो आपकी जो सर्विस बेस्ड जो टोटल बिलिंग होगी वो लेस देन 5 करोड़ होनी चाहिए, और हाँ इसके अंदर एक किसी जो टैक्सेशन वगैरह वो एक्सक्लूडेड होनी चाहिए। अब मैं बात करना चाहूँगा एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स की, दैट इज़ अबाउट द रिकमेंडेशन लेटर। अब ये रिकमेंडेशन लेटर क्या है, एक तरह से आपका बिजनेस सिर्फ इनोवेटिव नहीं होना चाहिए, इवन उसको इनोवेटिव प्रूफ करने के लिए आपको कुछ सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं गवर्नमेंट से। अब इसको जज कौन करेगा, गवर्नमेंट के कुछ एक तरह से इंक्यूबेटर्स बने हुए हैं, इंक्यूबेटर सेंटर्स बने हुए हैं, वो एक तरह से आपके स्टार्टअप आइडिया या फिर आपके बिजनेस को एक तरह से जज करेंगे और आपको सर्टिफिकेशन वगैरह प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो एक तरह से देखिए स्टार्टअप इंडिया की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पे काफ़ी सारे जो इंक्यूबेटर्स हैं जो गवर्नमेंट के साथ में रजिस्टर्ड है उनकी लिस्ट दे रखी है, तो आप इन इंक्यूबेटर्स के थ्रू एक तरह से अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली इंक्यूबेटर्स का मतलब ये होता है कि वो आपको एक तरह से आपके स्टार्टअप आइडिया है उसको आगे ले जाने के लिए काम करते हैं, आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं, आपको स्टार्टअप फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो उनके थ्रू एक तरह से आप ये लेटर्स वगैरह ले सकते हैं, और ये लेटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन करते टाइम पर आपको ये जो है अपलोड करना पड़ता है। ये देखिए स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पर कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट्स भी दिए हुए हैं जिन फॉर्मेट्स के अंदर एक तरह से आपको जो है रिकमेंडेशन लेटर लेना पड़ता है, राइट। इसके अलावा मैं एक कुछ चीज़ बताना चाहूँगा कि सर एंजल मतलब इंक्यूबेटर से नहीं, आप जो एक तरह से अपने एंजल इन्वेस्टर जो है, एक तरह से वीसी जो वेंचर कैपिटल फॉर्म्स होती है जो इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप्स के अंदर, राइट, आप उनके थ्रू भी एक तरह से लेटर वगैरह ले सकते हैं कि आपका बिजनेस जो है एक तरह से इनोवेटिव है, राइट।
तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि आपको एक तरह से रिकमेंडेशन लेटर लेना पड़ता है, तभी आप स्टार्टअप इंडिया के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और टर्म्स है कि अगर आपके पास भी ये चार तीनों चीज़ें नहीं है, राइट, मतलब एक तरह से जो इंक्यूबेटर्स हैं उसका आपके पास में रिकमेंडेशन लेटर नहीं है, जो एंजल इन्वेस्टर या वी सी फर्म है उसका आपके पास में सर्टिफिकेशन वगैरह नहीं है, तो आप जो एक तरह से पेटेंट्स वगैरह के लिए भी फाइल कर सकते हैं अगर आपका आइडिया वगैरह इनोवेटिव है तो यहाँ पे। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ शो करना पड़ेगा जिसके ऊपर एक तरह से आपको प्रोफेशनल पेटेंट मिल सके और वो एक तरह से पब्लिश हो सके, राइट। अब मैं बात करना चाहूँगा कि स्टार्टअप इंडिया के लिए एक तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टार्टअप इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट खोलनी है, तो यहाँ पे एक टैप है स्टार्टअप रिकॉग्निशन करके, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे बहुत सारी टैब्स जो है खुल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे क्लिक हियर टू फॉर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन फॉर द रिकॉग्निशन अंडर स्टार्टअप पे क्लिक करना है। तो ये देखिए यहाँ पे पूरी एप्लीकेशन जो है एक तरह से ओपन हो जाती है। नेचर ऑफ द एंटिटी, तो वही मैं आपको जो पहले जो बता चुका हूँ कि आपको प्राइवेट कंपनी या एलएलपी या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप चूज करनी पड़ेगी। सेक्टर के अंदर एक तरह से आपको अपने बिजनेस का जो सेक्टर है वो चूज करना पड़ेगा। नेम ऑफ द लीगल एंटिटी चूज करनी पड़ेगी, प्लस यहाँ पे आपका एक CIN नंबर होता है जब आप रजिस्टर करते हैं तो वो आपको यहाँ पे इनपुट करना पड़ता है। आपकी सारी एड्रेस की डिटेल्स आ गई, इसका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा उसकी सारी डिटेल्स आ गई, डायरेक्टर्स कौन होंगे, और ये देखिए जो मैं चीज़ आपको बता रहा था कि रिकमेंडेशन लेटर जो यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ता है ये आपको ऑप्शन चूज करने पड़ते हैं, राइट। और आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ता है, प्लस आपका आइडिया इनोवेटिव है उसका सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ता है, करेक्ट। उसके अलावा देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, वुड यू लाइक टू अवेल द टैक्स बेनिफिट्स। अब ये क्या चीज़ है कि ऑब्वियसली कि जब आप स्टार्टअप इंडिया के लिए अप्लाई करते हैं तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि स्टार्टअप इंडिया के बेनिफिट्स के अंदर ये बेनिफिट ये है कि आपको 3 साल तक जो है इनकम टैक्स वगैरह पे नहीं करना। लेकिन इसकी अप्रूवल के लिए एक अलग से जो है गवर्नमेंट ने जो है डिपार्टमेंट बनाया है, इंटर मिनिस्ट्रेटर बोर्ड, तो उसके थ्रू एक तरह से आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो अगर आप टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को एक तरह से यस कर सकते हैं। तो मेजरली एक तरह से ये सिंपल प्रोसेस है, आपको स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर कुछ डिटेल फिलअप करनी है, आपके पास में जो डॉक्यूमेंट्स हैं बेसिकली और नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं इन्फॉर्मेशन सर्टिफिकेट हो गया, रिकमेंडेशन लेटर हो गया, राइट, तो ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी है, राइट। तो उसके अपलोड करते ही आपकी जो एप्लीकेशन जो है गवर्नमेंट के पास में पहुंच जाएगी, वो लोग इवेल्यूएशन करते हैं और आपको विद इन द 7 डेज एक तरह से स्टार्टअप इंडिया का जो है सर्टिफिकेशन वगैरह जो है इलेक्ट्रॉनिकली जो है प्रोवाइड करते हैं। तो अभी तक ये देखिए स्टेट के बारे में अगर मैं स्टेटस बताऊँ तो 728 एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी है, उसमें से 188 स्टार्टअप जो है इतने से ऑलरेडी लिस्टेड हो चुके हैं। मीन्स परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन आप भी एक तरह से अपने स्टार्टअप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल बता चुका हूँ कि अगर आपका स्टार्टअप भी एक तरह से इनोवेटिव है तो आप भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो अगर मैं समरी में बताना चाहूँ तो सबसे पहले आपको एक लीगल एंटिटी सेटअप करनी पड़ेगी जो एक तरह से जिसमें भी आपको 5 ईयर तक एक तरह से बेनिफिट मिलेंगे। सेकेंड जो स्टेप जो है वो आपको रिकमेंडेशन लेटर लेना पड़ेगा, राइट, कि या फिर आपको पेटेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा कि आपका आइडिया जो है इनोवेटिव है, और एक इनोवेटिव आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो आप इनमें से कोई सी भी चीज़ ले सकते हैं। उसके बाद में आपको सिंपली स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे सारी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं, राइट। तो एक तरह से ये समरी है, इसके थ्रू एक तरह से आप जो है स्टार्टअप इंडिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपके पास में कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है, राइट, तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.myonlinesea.in और वहाँ पर एक तरह से आप रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हैं, या फिर आप हमें मेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं mail@myonlinesea.in, या फिर आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हैं। Thank you very much. Hope you like this video. Please share this and if you have any query, you can comment also on this video. Thank you very much.